हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पालक की पकौड़ी। इसके लिए मैंने पालक काट लिया है, उसमें बेसन मिक्स किया है, ये देखिए। और मैंने थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी अजवाइन और जीरा मिक्स किया है। इसको पानी से मैंने फेंट लिया है और मिक्सचर कुछ इस तरीके से आएगा। कढ़ाई में तेल गर्म है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, जो इसमें हमने मिक्सचर बनाया है उसको पकौड़ी की तरह इसमें फ्राई करेंगे। ये देखिए, छोटे छोटे पीसेस को ऐसे लेंगे और कढ़ाई में डालेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। ये एक्चुअली डीप फ्राई है, बट क्योंकि नॉन स्टिक की कढ़ाई है तो एग्जैक्टली नॉट वेरी डीप फ्राई, बट हाँ इतना तेल लगेगा कि ये पक जाए। सो इसको हम थोड़ा सेट ऑन होने देंगे। हम थोड़ा सा इसमें डालते जा रहे हैं जितनी स्पेसिंग हमें दिख रही है, थोड़ा सा सेट ऑन होने देंगे, अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए, ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग कलर है इसका, बहुत एपेटाइजिंग है। जब ये पक जाए तो इसको हमें स्लोली पलटना पड़ेगा ताकि ये क्रश ना हो। ये देखिए इस तरीके से, तो देखेंगे आपकी जो अपर वाइट पार्ट है उसको हम नीचे करेंगे धीरे धीरे ताकि वो पक जाए पूरा, और जो नीचे के बेस पक चुके हैं वो ऊपर आ जाएंगे। मे बी वो थोड़ी हीट से क्रिस्पी क्रंची होंगे, सो दैट विल टेस्ट मच बेटर। ये देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेटर्स, पकौड़ी को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेटर्स, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये इंडियन फ्रेटर्स हैं एक्चुअली, या हमारी भाषा में कहा जाए तो ये पकौड़ियाँ हैं। अच्छे नाश्ते के लिए, थोड़ी ठंड हो रही है, एक अच्छा ये एक आइडिया है कि आप पकौड़ी बनाइए। ये मैंने सेकेंड सर्व डाला है, फर्स्ट सर्व मैंने प्लेट में निकाल लिया है, दिस इज़ सेकेंड सर्व, ये फर्स्ट सर्व है। और इसकी मैं थोड़ी देर में गार्निशिंग करूँगी। ये देखिए, सेकेंड सर्व भी रेडी है, इस तरीके से पक जाएगा अच्छे से। और ये देखिए, मैंने गार्निशिंग करी धनिया और कुछ चाट मसाले पाउडर से। सो इन्जॉय करिए। इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल।